भीमताल चौक और यहाँ से आपको नैनीताल पर जाना है नौकुचिया तक। ले भाई तेरा कंबल, ये है भीमताल। भीमताल, हाँ ये तो ऐसा आता है, ये तो पूरा भीमताल ही है ना। नौकुचिया ताल वाली रोड बिल्कुल संकरी। नौकुचिया ताल से पहले यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन, बड़ी सी मूर्त, और यहाँ पर ये स्टैंड वगैरह जूते वगैरह हमने उतार दिए हैं। और ये देखिए यहाँ पर इन्होंने गुफा टाइप से बना रखा है अंदर जाने के लिए। अभी अंदर जाके आपको दिखाते हैं किस तरीके से माँ वैष्णो देवी मंदिर का है तो बना रखा, ये गुफा टाइप की बना रखी इन्होंने यार। फिर से दूसरी गुफा है, बस यही था तो यहां। अच्छा यहाँ से अंदर है, यहाँ पर बना रखे उन्होंने, ये पिंड बना रखे ना तीन। हाँ ये वैष्णो देवी का। यहाँ से दूसरी गुफा थोड़ा सा अंधेरी सी है, गुफा के अंदर पर चलो चलो। ये यहाँ नीचे से बना रहे हैं परिक्रमा मार्ग नव, ये तो शनि नवग्रह मंदिर भी है। यहाँ मंदिर पूरा ये तो इस पे सो पहुँच चुके हैं नौकुचिया ताल। भीमताल से लगभग 7-8 किलोमीटर तो है, उसमें आधा घंटा लग जाता है आने में, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो एरिया देख रहे हो आप पीछे, ये गंदा वाला एरिया है। आगे है जीप जो अभी हम जाके देखते हैं किस तरीके से। तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, भीमताल से काफ़ी नज़दीक है। भीमताल से दो रूट कट जाते हैं, एक आगे वो कट जाता है और एक दो वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है पूरे सेंटर में, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। तो दिखाते हैं आपको किस तरीके का नज़ारा है यहाँ पर। यहाँ पर है ये TRH है नौकुचिया ताल का, और ये लोग यहाँ पर आए हैं। देखिए क्या कैसे कैसे नज़ारा है यहाँ का। सो और यहाँ पर ऐसे ही है, ताली है और तो कुछ नया है नहीं। और ये है यहाँ पर बोटिंग के लिए रिवर्स स्टार्टिंग वगैरह, ये बना रखे उन्होंने मस्त मस्त करके। और कमल ताल फूल तोड़ना, कमल ताल वगैरह भी है शायद जो गंदा सा वर्ग। बाकी ये बोटिंग वगैरह करने के लिए है यहाँ पर, और ये बोटा का नारा बनना ताल। और नौ कोने बताए जाते हैं इसके, इसलिए इसका नाम नौकुचिया ताल। और बहुत गहरी झील है ये, यहाँ पर ग्लाइडिंग करने के लिए बना रखा है। बस बतख है ना ये, देखो बतख बड़े बड़े मम्मी पापा बोट टोक काटते भी हैं वो। देखो तो नौकुचिया ताल भी देख लिया है, ज़्यादा कुछ है नहीं। नौ कोने हैं यहाँ पर जो बताए जा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से, एक दो तीन ऐसे देख ही नहीं जाते हैं। बहुत बड़ी झील है और बहुत गहरी झील है। देख लीजिए रोती रहती बिंदी बच्ची, रोती रहती है। बल मिशु कमल ताल है बल यहाँ है, पर जमा तो कुछ है नहीं, कीचड़ ही कीचड़ दिख रहा। वो देखो एक सीढ़ी भी लगा रखी उन्होंने बीच में, ठंडा ठंडा हो रहा।
हो रहा है ना बेटा, देखो इसको करती रहती है बस शैतान। नौकुचे ताल में रुके हैं, थोड़ा खाना पीना खाते हैं। आप चाहे नौकुचे ताल जाओ, किसी भी ताल में जाओ, भीम ताल वगैरह में, तो कहीं पर भी पैदल चलने के लिए नहीं है, लेकिन डायरेक्ट वहीं पर गाड़ी जाती है। इतनी सुविधा यहाँ पर हो गई है, तो खाना पीना खाते हैं, दाल भात जो भी मिले वही खा लेते हैं और फिर चलते हैं अपने घर। कैफे चूमिन है ये, और मैं दिखाता हूँ आपको, बढ़िया सा छोटा सा अच्छा सा रेस्टोरेंट, पूरी राइस वगैरह वगैरह। और ये हमारी मिशू, पनीर कुलचा और परांठे और रोटी। सो गाइस, बस नौकुचे ताल देख लिया, अब घर को चलते हैं। ओके बाय टाटा। ये है यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क कर रखी है, यहाँ से चढ़ाई चढ़नी ये ऊपर, ये अंदर है गांव, इन लोगों का घर यहाँ है। तो यहीं जा रहे, इनका पंचायत घर। ये है यहाँ की लास्ट चढ़ाई, ये नीचे रोड, हाँ रोड। और ये देखो ये भीमताल सामने पे, और ये गांव अभी दिखेगा ऊपर। ये आगे इनका गांव, ये सामने देख रहे हो आप, ये है मीनू लोगों का घर ग्रीन कलर में। और बाकी ऊपर से गांव, घर आ गए हम। हाँ ये देखो इनका घर, ये इनका गांव है, इनके चचा चुचा था दूर। ये सब चाचा ताऊ लोग हैं। घर यहाँ पर बस पहुंच गए घर। सो गाइस, घर पहुंच गए हैं और आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। ओके बाय टाटा एंड गुड नाइट।